स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को यूपी टेट या सी टेट 2020 में संस्कृत पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रत्यय, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय से बहुत काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हर साल कहीं ना कहीं से प्रत्यय से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने प्रत्यय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, सबसे पहले ये जाने कि प्रत्यय है क्या, क्योंकि जब प्रत्यय हम लोग समझेंगे, जानेंगे, उसकी परिभाषा समझेंगे, प्रत्यय है क्या, प्रत्यय लगती कहाँ है, प्रत्यय कब और कहाँ लगाई जाती है, तब प्रत्यय के बारे में हम लोग को पता चलेगा। देखिए, प्रत्यय की एक छोटी सी परिभाषा मैं लिखी हूँ, इसे देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले है प्रत्यय, वे शब्दांश जो धातु या शब्दांश के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में सुंदरता ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए संस्कृत में है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ठीक है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय एक छोटा सा इसका सूत्र है। अब हम लोग जानेंगे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय, तीसरा है स्त्री प्रत्यय, चौथा है शुभ प्रत्यय और पांचवा है तिंगी प्रत्यय, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे शुभ प्रत्यय के अंतर्गत कितने आते हैं। तो शुभ प्रत्यय के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं, ठीक। ये हमेशा पूछता है, इसे ध्यान दीजिएगा। शुभ प्रत्यय के अंतर्गत 21 आते हैं और तिंग प्रत्यय के अंतर्गत 18 आते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं। तो इससे कितने भेद होते हैं, 12। कृत प्रत्यय के 12 भेद होते हैं। तो इसमें से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए, पहला है इक्तिन प्रत्यय, दूसरा है कत्य प्रत्यय, तीसरा है लेप, चौथा है तुमुल प्रत्यय, पांचवा है सत्य प्रत्यय, छठवा है शानज प्रत्यय, आठवा है अनिय प्रत्यय, नौवा है अक्त प्रत्यय, दसवा है अक्तवत, तव्यत प्रत्यय, यत प्रत्यय और अवर प्रत्यय, ठीक है। तो ये सब हमारे 12 प्रत्यय हो गए। इसमें से सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हर साल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला इक्तिन प्रत्यय, ठीक है। देखिए इक्तिन प्रत्यय, यह हमेशा स्त्रीवाचक या भाववाचक स्त्रीलिंग में होता है। यह हमेशा भाववाचक या स्त्रीलिंग में होता है। इसमें 30 शेष रहता है जो धातु के अंत में जुड़ता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे प्रत्यय पहचानेंगे कैसे। तो जब हमको ये पता रहेगा कि प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तभी हम अच्छे से प्रत्यय को समझ पाएंगे। जब हमको ये पता रहेगा कि इसमें ये शेष रहता है, तो उसके अंत में हम उसी को जोड़ देंगे, बाकी को कट कर देंगे, तो वहीं से प्रत्यय हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक तीन प्रत्यय है, यहाँ पे 30 शेष बचा है, ठीक है। अब यहाँ हम जब धातु में जोड़ेंगे इसे, तब देखिए हमारा अच्छे से बन जाता है और सही भी होता है। यही जब शेष नहीं पता रहता है, तो यही चीज़ गलत होती है। जैसे देखिए, धातु प्रत्यय बराबर शब्द, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्री धातु है, ध्री धातु उसमें एक तीन प्रत्यय है। अब यहाँ एक तीन प्रत्यय में हमारा क और ता कट गया, आधा क और ना कट गया, अब बचा हमारा क्या, ती। ती जब हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, धृति बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, धृति बन जाएगा। तो इसी तरह से और आगे हम देखते हैं, जैसे देखिए उसी तरह से है क्री धातु। क्री धातु में जब हम लोग इक्तिन प्रत्यय जोड़ेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, क्रीति। श्रुत धातु है, उसमें इक्तिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो श्रुति बनेगा। सन धातु है, उसमें इक्तिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो शांति बनेगा, ठीक है। अश्विनी धातु है, उसमें हम लोग इक्तिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अश्विनी बनेगा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो जब हमको ये बस यही हमको देखना है कि इसमें क्या शेष बचता है और यह किस लिंग में जोड़ा जाता है, तो हमारा प्रत्यय कभी गलत नहीं हो सकता। आगे हम लोग देखेंगे नंबर दो, कत्व प्रत्यय, ठीक है। नंबर दो हमारा है कत्व प्रत्यय। इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक। आगे देखिए है कत्व। कत्व में हमारा क्या शेष रहता है, त्व शेष रहता है। कत्व में हम का को काट देंगे और त्व हमारा क्या रहेगा, शेष रहेगा। तो जब हमको ये पता चल गया कि हमको क्या शेष मिल रहा है, तो हम बहुत आराम से अपने आप उसको जोड़ लेंगे, क्योंकि धातु दिया रहता है पेपर में, बस हमको प्रत्यय
दिखाना रहता है, निकालना पड़ता है। और जब हमको ये पता रहेगा कि इसमें क्या शेष है तो उस शेष को हम काट देंगे और जो शेष रहेगा उसी को अंत में जोड़ देंगे, तो हमारा प्रत्यय कभी गलत नहीं होगा। ठीक, तो देखिए पहला है हन धातु। हन धातु में हम जब कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हत्वा। दा धातु में जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दत्वा। ज्ञान धातु में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ज्ञातवा। और लिख धातु में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लिखित्वा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल जरूर पूछ जाता है, चाहे टेट हो, सी टेट हो, एमपी टेट हो या कोई भी टेट हो, लेकिन तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आप सभी के लिए बनाई हूँ। ठीक है, अगला हम देखेंगे लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय क्या है? इसको भी हम लोग पूर्वकालिक क्रिया को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेप में क्या शेष रहता है? लेप में यह शेष रहता है। ठीक, अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं, हमको ये पता चल गया कि इसमें क्या शेष रहता है, तो हम लोग उदाहरण देख लेंगे। क्या है हमारा? उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय, इसमें उपसर्ग भी लगता है। ठीक है, जैसे देखिए पहला है प्र उपसर्ग, अस्था धातु, लेप प्रत्यय है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रस्थाय। ठीक है, जब हमको आधा ल और पॉकेट गया या शेष बच गया तो प्राय यहाँ पे दिया है उपसर्ग, अस्था धातु है, जब हम लोग उसमें यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा प्रस्थाय। दूसरा है बी, बी जो है उपसर्ग है, ज्ञान धातु है, और जब उसमें लोग प्रत्यय जोड़ेंगे लेफ तो उसमें यहाँ रहेगा शेष, तो हमारा बन जाएगा विज्ञा है। ठीक है, उसी तरह से प्र है, प्र जो है कि हमारा क्या है? उपसर्ग है, आप प्रत्यय है। ठीक है, आप हमारा क्या है? धातु है, और इसे हम लोग लेप प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्राप्त। ठीक है, आगे देखिए वी उपसर्ग है, रस धातु है, और इसमें जब हम लोग लेप प्रत्यय लगाएंगे यानी या शेष रहेगा या जब जोड़ेंगे इसमें क्या आ जाएगा? विरज। उसी प्रकार आ जो है उपसर्ग है, दा धातु है, और जब उसमें हम लोग लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आदाय। उप धातु है, गम, उप जो है इसमें देखिए सॉरी उपसर्ग है, गम धातु है, और जब इसमें हम लोग लेफ्ट प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? उपागम। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत से इसे बनाया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ये लेफ्ट प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, एकदिन प्रत्यय, सी टेट में तो खासकर पूछे जाते हैं, और सी टेट आप लोगों का सामने है 5 जुलाई को, तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट।